मेरा नाम बेटा मीना कुमारी है। मसला ये है भी साडा मकान मालक बैठी है तो सानू परेशान कर दी है। असी बुजुर्ग बंदे हैं साढ़े लागे कोई सहारा नहीं है। नजायज़ साढ़े को फायदा उठाती पी ना ये किराया दी ना ये बिजली का बिल दी। 25,000 रुपया बिजली का बिल सानू रोज़ हर महीने सानू 1,000 रुपया महीना पैंता वा। पर साडा मसला यह है साडा मकान खाली किया जाए। साडा राजवीर सिंह साड़ी रोज़ बहुत मदद करता। ये साडा प्रधान नहीं गा साडा पोते आ बस ये जो सू असी मंग हुई साडा मकान खाली किया जाए। बस साड़ी मंग हुई आ ते गंदियां गालां ना कटे सानू। बस मैं राजवीर सिंह राजू महला गोविंद नगर का निवासी हाँ। अज तो कोई 1.5 साल पहला बीबी रणजीत कौर वीना कुमारी जी दे मकान के उत्ते 2 कमरे 4,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब उन्होंने किराए पर लिया सी। ना किराया दिंदी है ना बिजली का बिल। दोबारा बोलो। उस बीबी ने जाली दस्तावेज दे के ये 4,000 महीने के उपरले 2 कमरे के लिए ही। इस तो अलावा 3-4 किराएदार होर सी उन्होंने उन्हें डरा धमका के ये मकान उन्हें कब्जा कर लिया। महल्ले दे विच हर एक ना गालां गलोच गंदियां गालां 24 घंटे 8 पहर सवेरे शामी गालां गलोच कढ़ के हर एक नूं धमकियां लाउंदी रही। मैं तुहाडी बिल्डिंग दे कब्जे कर लूँगी, मैं फलाना कर लूँगी, मैं ढीनू कर लूँ। बहुत ज़्यादा गंदा माहौल इन्हें महल्ले दे विच क्रिएट कर चुका ही बीबी ने। पर फिर पुलिस प्रशासन को असी सहारा लै के पुलिस ने इस ते 57 परचा कट के इनू जेल च भेजा था। 4 तरीक नूं इस बीबी ने एक सामने पोर्शन सी जो मैं तुहानूं दिखा रहा तुहानूं मैं उस ते मकान ते भी ने जबरन उन्हां दे अंदर समान रख के उस मकान ते भी ने कब्जा कर लिया अपना। देखो जी वह तो यही ललकारे मारी जी बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने मेरी गल हुई है जी। मैं जेडे मर्जी मकान से कब्जा कर ला जो मुंडे रोकूँ उत्ते मैं स्मैक पा दूंगी। पुलिस को कंप्लेन दी तो फिर पुलिस ने कार्रवाई करके उत्ते 57 परचा कट्टा जी। देखो जी वो ये तो हुण उत्ते परचा करके उन्होंने अरैसट किया जुडिशल भेज दिता गया वा। ये तो हुण पुलिस ही उन्होंने पकाऊगी भी कि पिछे शह वा जां दा रिमांड लैण जां नूं पुछण भी कि शहर नाल कब्जे किए। हुण पुलिस का काम पुलिस करे जो महल्ले वाले का बांधी सी वह महल्ले वाले ने कार्रवाई करवा के ते थाने दे दिता उन्हां नूं। सीसीटीवी जे वेखण च आ रहा वी पुलिस वाले दे हत्थी पै रही है। वह तो देखो जी पुलिस वाले मैं एक तुहानूं वीडियो दिखाना जी पुलिस वाले जफ्फी पा के कभी उधर लैके जांदी कभी उधर लैके जांदी आ। असीं मंग करदे जी इहो जिहे बंदे जो गंदी साजिश दे नाल लोकां दे मकानां ते कब्जे करदे आ जां गंदी राजनीति खेडदे आ ना उहनां नूं पुलिस प्रशासन वल्लों नत्थ पाई जावे। रणजीत कौर पत्नी हरपाल सिंह यह गोबिंद नगर की 6 नंबर गली दे विच रहन वाली है। इहदा आपदे मोहल्लिआं वालिआं नाल कई बारी झगड़ा होया पर इहदा आपसी राजीनामा वगैरह कर लैंदे सी। पर पिछले 5 तरीक तो पहलों इन्हां ने 2-3 वारी इन्हां दा अड्ड अड्ड गुआंढिआं नाल झगड़ा काफ़ी ज़्यादा होया जिहदे करके सारे महल्ले वाले ने इकट्ठे हो के इहदे खिलाफ़ दरखास्त दित्ती है। उस दरखास्त दे कार्रवाई करदे दोवां धिरां नूं बुलाया गया ते पर उत्थे बैठे ही ये लेडी जिहड़ी सी इन्नी तहस च आ गई कि उन्हां दे गल पैण तक गई। सीसीटीवी च वेखण च आया भी उहदे लोक गड्डियां भन्नियां जा रहियां ते महिला कॉन्सटेबल ते भी हमला कीता। वो जिदन उन्होंने दरखास्त दित्ती है उस दिन पुलिस पार्टी गई सी। पुलिस पार्टी ने ही जाके जो इन काबू करने की कोशिश की ये अक्सर तहस च आ जाती उस दिन थाने च भी तहस च आई जिदे करके इन्हें हमला करने की कोशिश की है। ये खिलाफ़ रुकू कार्रवाई 107-151 की अमल च लिया है। राजवीर सिंह वालों दिती है इन्हें एक कंप्लेंट भी जिदन इन्होंने लास्ट 5 तरीक नूं घर अगे खड़ के रौला पाया गाला गूला कढ़िया तो बयान के तहत वो दरखास्त के तहत जी रुकू कार्रवाई अमल च लिया। इलाका निवासियों के कहने मुताबिक पुलिस की वर्दियां भी पा के फिर इलाके योजी मेरे होंगे कोई जी नहीं आई कि दरखास्त तो लोगों को जो सियासी दबाव का दस दिए भी मैं मजीठिया साहब कह के स्मैक के परचे करा देने इलाके कोई योजी गल सामने नहीं आई कि यह किसी भी सियासी धिर वालों कोई कार्रवाई हुई है जो स्मैक की कोई गलबात है। सिर्फ इन्हों का आपसी लड़ाई झगड़ा आ एक किराए तो उत्थे रही है
मकान का भी यदा कोई हैगा रौला इन्हों का, बस उस करके जेड़ा भी उसकी पैरवाई करता खिलाफ़ हो जाती तो उन्होंने गाला कढ़ती है या उन्होंने दरवाजे भन्दी है। कार्रवाई ये खिलाफ़ रोक अपराध रोकू कार्रवाई 107-151 CRPC के तहत की है ताकि किसी किस्म का नुकसान अमन ना पैदा हो सके।